आज हम बनाएंगे होली स्पेशल एकदम खस्ता और क्रिस्पी नमक पारे, वो भी बिना बेले कम मेहनत में एकदम नए तरीके से। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे, तो मैं 4 कप मैदा ले रही हूँ। आपको जितना लेना हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 4 कप मैदे के लिए 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, या फिर आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1/2 कप तेल लेंगे और इसे एकदम हल्का गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का गुनगुना गर्म करना है। अब इस गर्म तेल को हम मैदे में इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच से इस तरीके से मैदा और तेल को मिक्स करेंगे। पहले हाथ से मिक्स नहीं करें, नहीं तो तेल गर्म होने की वजह से हाथ जल सकता है। थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे कि चम्मच हटा देंगे और हाथ से हम मैदे और तेल को एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि तेल है वो मैदे के कण कण में अच्छे से मिक्स हो जाए। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे नमक पारे उतने ही खस्ता बनेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, देख के ही लग रहा है। तो जब आप मैदे को इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे और मुट्ठी बन जाए, इसका मतलब है कि मोइन परफेक्ट पड़ा है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को एकदम सख्त गूंथ लेंगे। तो आप एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो गीला भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें इस तरीके से एकदम सख्त गूंथ लेना है। मैदा अच्छे से गूंथ चुका है, तो आप चाहे तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख सकते हैं, नहीं तो बिना रेस्ट के भी आप इसे सीधे बना सकते हैं। 10 मिनट के बाद देखिए मैदा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा और मसल कर चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम एक कैंची लेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे कि काटते जाएंगे इसे। ये देखिए कितने आसानी से नमक पारे कट रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बेलने की, उसके बाद काटने की। आप सीधे डो बनाइए और इस तरीके से फटाफट कैंची लेकर काटते जाइए। और ये देखिए कि कितने सुंदर इसके डिज़ाइन लग रहे हैं कटने के बाद। हमने कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं की है और बहुत कम मेहनत में सीधे कैंची लीजिए और फटाफट काटते जाइए। और ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपकते भी नहीं हैं, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं एक दूसरे से। तो मैंने अभी इतना काट लिया है, अब इसे हम तलने की ओर चलते हैं। तो तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना गर्म करना है कि इसे हल्के हल्के बबल्स आए जब इसमें हम नमक पारे डालें। तो एक टुकड़ा डालकर हम चेक कर लेंगे पहले। तो ये देखिए नमक पारे से हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब तेल सही गर्म है। तो अब हमने जो नमक पारे काट के रखे थे वो डाल देंगे और इसे इस तरीके से हम थोड़े से हिला डुला लेंगे नमक पारे को। ये देखिए नमक पारे बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपके हुए हैं। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसे हमें तलना है, ना हाई फ्लेम पर और ना ही लो फ्लेम पर। तो डालने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब तक ये तल रहे हैं तब तक हम नमक पारे और भी काट लेते हैं। तो एक साइड नमक पारे तलते जाएंगे, दूसरे साइड हम काटते जाएंगे नमक। थोड़ी देर के बाद जब तेल में नमक पारे इस तरीके से ऊपर आने लगे तब इन्हें हम पलट लेंगे। और इसी तरीके से अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर इन्हें हमें ब्राउन कलर होने तक तल लेना है। जब आप इस तरीके से बिना बेले एकदम कम मेहनत में खस्ता नमक पारे बनाएंगे तो आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप हर बार ऐसे ही नमक पारे बनाना चाहेंगे। नमक पारे अच्छे से तल चुके हैं, ये देखिए। तो जब ऐसा कलर हो तभी इसे हमें निकाल लेना है, क्योंकि निकालने के बाद इनका कलर गर्माहट से थोड़ा और डार्क हो जाता है। तो बस इस तरीके से इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे नमक पारे को हमें मीडियम फ्लेम पर तल लेना है। ये लीजिए खस्ता और क्रिस्पी नमक पारे हो चुके हैं तैयार, वो भी बिना बेले एकदम कम मेहनत में। इसकी आवाज़ सुनिए, आ रही है ना आवाज़।
और ये खस्ता भी बहुत बनते हैं। मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ, देखिए कितनी खस्ता है, एकदम फट से टूट जा रही है। तो फिर देर किस बात की, आप भी इस बार होली में इस नए तरीके से बिना बेले एकदम कम मेहनत में नमक पारे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।